प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल हो गए और 8 साल के इस कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी जनता के दिल में कितनी अपनी जगह बना पाए और उनके जो काम थे उससे जनता कितनी खुश है और कितनी ना खुश, इसको लेकर हम राजधानी देहरादून की सड़कों पर मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि वो किस तरीके की राय रखते हैं। सबसे पहले एक दुकानदार हमारे साथ है। भाई साहब, ये बताइए, नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कार्यकाल तो बहुत अच्छा है इनका, थोड़ा महंगाई है और बाकी तो ऐसा सामान्य है, एकदम इतना वो भी नहीं है। जैसे विदेश नीति इनकी बहुत बढ़िया है, विदेशों में डंका पीट रहा है और थोड़ा बाकी तो ठीक है। मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बेहतर काम किया 8 सालों में, जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए था? बिल्कुल बेहतर काम किया जी 8 साल में। आज तक जो 70 साल में नहीं हो पाए वो 8 साल में हो पाया। आप जम्मू कश्मीर का वो ले लो या आतंकवादी का कोई भी ये ले लो, और देखो विकास तो आपको दिख ही रहा है सड़कों पर। मतलब आपको पसंद आए? हाँ जी फिलहाल तो पसंद है। काम तो सर उन्होंने बहुत सराहनीय किया, अच्छा किया है, लेकिन ये कि जो गरीबी बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि भाई साहब बहुत महंगाई हो गई, खाने पीने की चीज़ पे और आपके तेल वगैरह ये महंगे हो रखे हैं। पहले समोसा 10 रुपये का था, आज 15 रुपये का हो गया। महंगाई से कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महंगाई भी कम करें? महंगाई भी कम करें, हम तो ये करते हैं सर। आपने बहुत अच्छा करा है, देश के लिए बढ़िया है, लेकिन ये कि महंगाई पर भी कंट्रोल करें। वो तो बात ठीक है, कार्यकाल में तो जो सरकार आएगी वो तो काम करेगी ना, बिठाया तो जनता ने है ना, मगर ये जो महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी मर रहा है, ये कहाँ जाएगा? दिहाड़ी मजदूरी सबकी वही है, 400-500 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर है, 1100 रुपये का कहाँ से खरीद लेगा, बताइए ना, आप बताइए। नहीं सर, बढ़िया है काम, काफ़ी देश तरक्की कर रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, जैसे सामने देख सकते हो कितना विकास हो रहा है, रोड बन रही है, रोड चौड़ी हो रही है, काफ़ी अच्छा ही काम हो रहा है। बिल्कुल, थोड़ी महंगाई से तो हर इंसान वो है, हमें भी सब पे ही मार पड़ रही है, हम अकेले तो हैं नहीं, पर सब हर इंसान जैसे झेल रहा है हम भी झेल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। महंगाई से ज़रूर परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री के काम से खुश है? हो सर, बिल्कुल खुश है। वैसे तो ठीक ही लगता है भाई जी, लेकिन ये है कि महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है, चाहे कोई भी सरकार आए, ठीक है ना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी बैठेगी, तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है, समय के हिसाब से तो परिवर्तन होना ही होना है उसका, ठीक है ना। और उस हिसाब से जिस हिसाब से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से दिख तो रहा है, क्योंकि कई चीज़ें, कई सुविधाएँ मुहैया करा दिए पब्लिक को, है ना, उस हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन यह है कि अब ये नहीं कह सकते कि किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि गलतियाँ तो खामियाँ तो सभी अंदर होती है। हम तो कह रहे हैं बढ़िया चला, महंगाई तो कहीं भी नहीं, 30 रुपये किलो टमाटर हैं तो ये कई दिन में थोड़ी खा लेते हैं टमाटर, 5 दिन चलते हैं, एक बार के दिन के कितने टमाटर हो, कितने का हो गए, कहाँ महंगाई। पेट्रोल महंगा होगा तो विकास तो तभी होगा ना, और शराब महंगी हो रही उस पर तो कोई अंकुश नहीं लगा रहा, कोई मीडिया नहीं कर पूछ रही ना कुछ पूछ रही। यानी आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहा मोदी जी। नज़र तो ठीक ही देखते हैं, लेकिन यही महंगाई एकदम चाट लेती है बस। लोग तो बता रहे हैं गरीबों के लिए काम भी मोदी से, बात सही है, काम तो हो रहा है, लेकिन अब धंधा पानी यही पूरा साग है, सब्जी है, हेन तेन है, सब दूना बढ़ गया है, अब 1 किलो 2 किलो तो जाना नहीं है, इतना महंगाई है कि 50-60 रुपया किलो की खाली आलू और सब्जी है, हरी सब्जी है, कहाँ से काम चलेगा। तो ठेले से आप जो है दिन भर में कितना कमा लेते हैं? बस वही 200-400, बस इससे आगे नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई में भी लगता है, वैसे हमारे 3 लड़के हैं, वो सब अपना करते फिरते हैं, कोई अपना काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, किसी हाल में हो रहा है, परिवार चल जाता है, परिवार चल जाता है, लेकिन कैसे चलता है, कभी नमक रोटी खाना पड़ता है, तो कभी साग सब्जी खाना पड़ता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। अच्छा ऐसे है कि ये सब जो मकान विकान है, लेटरिन बाथरूम हेन तेन किए हैं, वो गरीबे के लिए किए हैं ना। मतलब इनके उथवा में जो भी है सही है, लेकिन थोड़ा महंगाई का दिक्कत है सर, लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं वो बेचारे भूखे पड़े हैं, 5 किलो राशन देने से क्या होने वाला बताइए, और महंगाई बढ़ती जा रही है। सर, हम वेस्टर्न रेलवे से बांदा एसी अटेंडेंट थे, लेकिन ये कोरोना काल से हमारा काम ठप चल रहा है, जिसके चलते हम 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं सर। बोले कोरोना काल चल रहा था, हम विड्रोल का काम कर रहे थे सर, उन्होंने बोला कि अभी कोरोना काल में विड्रोल नहीं चलेगा, जिसके कारण हम बैठे हुए हैं सर, बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें, 2 साल से बैठे हैं सर।
तो जो मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को आप अच्छी नज़र से देख रहे हैं और उसके बाद भी आप जो है कह रहे हैं कि बेरोजगारी, हाँ सर 2 साल से बेरोजगारी ही बैठे हैं सर। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि सर हम लोग को भी मतलब कोई समस्या का समाधान होना चाहिए, आखिर काम चालू होगा कि नहीं चालू होगा। यही होता है कि अगले महीने चालू होगा, ये होगा वो होगा। 8 साल में सर कुछ नहीं हुआ जान लीजिए, तो बिल्कुल गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जान लीजिए बिल्कुल। क्यों राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, सब चुनावी झांसा साहब खत्म हो गया, बिल्कुल कुछ है नहीं इतने समय राशन के नाम पे। कुछ खास नज़र से नहीं देखते हैं क्योंकि ये समय में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, आम जनता बहुत परेशान है, उसमें क्या बोल सकते हैं आप। बेरोजगारी तो हर जगह बढ़ी हुई है, इसमें क्या लगभग कोई जॉब, ये सरकार बस वादे करती है, कोई वादे निभाती नहीं है। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। अरे कौन सा सबका साथ कौन सा सबका विकास, देख लीजिए पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है और गैस कहाँ है, आप ही देख लीजिए। भैया मोदी सरकार के 8 साल में हमारे लिए कुछ परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है भैया। सरकार तो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे क्या हुआ है बताइए। संत कबीर नगर विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। मोदी सरकार की इस समय महंगाई इतनी बढ़ती जुड़ी है कि आदमी खाने बिना तरस जा रहा है। इस समय जो है फल खाने में जो है आदमी सोचना रहता है, गरीब आदमी कभी खा नहीं पाता है, कोई चीज़ ले नहीं पाता, सोचता है लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इस नाते महंगाई इतनी काफ़ी हो गई, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसी नाते आदमी मजबूर होकर फल को सूखा जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, बिक नहीं पा रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल गरीब आदमी का जो है बड़े आदमी का विकास होता है, छोटे आदमी मारे जा रहे हैं। छोटे आदमी को तो सरकार जो है मुफ्त में राशन दे रही है, मकान मुफ्त राशन मकान के से कोई पेट नहीं ना भरेगा, दुकान से पेट भरेगा। जिसकी रोजी रोटी नहीं है, रोजी रोटी नहीं चलेगी उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, वो अपने काम लायक नहीं रहेगा, वो मजबूर हो जाएगा। क्या तय करने पर भी मजबूर हो जा रहा है आदमी। इस समय कंपटीशन का मामला है, हम लोग जो बेच रहे हैं वो जो अपने पूंजी बच्चों के खिलाने के लायक नहीं हो रहे हैं, और महाजन का कर्जदार होते चले जा रहे हैं हम लोग, महाजन सौदा देने में भी मजबूर हो जा रहा है। दिन भर में 200-400 रुपये कमा लेते हैं, 200-400 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। महंगाई इतनी काफ़ी है, चावल दाल लेने में भी समर्थ है, और जो सब्जियाँ भर के 200-400 रुपये हो जा रहा है, तेल मसाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुविधा क्या है सरकार ने जो सुविधा दे रही है, केवल बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इस समय जो है स्कूल से छुट्टी चल रही है, महाजन का कर्जदार इस नाते हो रहा है कि महाजन की सब माल सूख जा रहा है, कर्जदार सामान नहीं बिक पा रहा है। अब सस्ते दाम में रहता तो कुछ भी पाता है, तो महाजन की पूंजी भी निकल जाती, महाजन का पूंजी निकल अब वो सड़ जा रहा है, खराब हो जाए, इस नाते हम लोग कर्जदार होते चले जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से पास है, उसकी जो है ये मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जो सरकार बनाई थी, उन्होंने ये वादा किया था कि हम सबको मकान देंगे, सबको स्वास्थ्य देंगे और सबको अन्न देंगे, वो काम पूरी तरीके से 8 सालों के अंदर हुआ है। और हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोगों गरीब थे उनको मकान दिए गए हैं, जो लोग अन्न से जो भूख से हमारे यहाँ जो हमारे भारत के अंदर जो लोग मर जाया करते थे वो आज ऐसा नहीं है, पूरे 8 सालों के अंदर अन्न का भी काम देने का काम किया गया है। और स्वास्थ्य के लिए जो लोग गरीब थे, जैसे किसी को किडनी की परेशानी हो जाया करती थी, हार्ट की परेशानी हो जाया करती थी या लीवर की कोई भी परेशानी हो जाया करती थी, वो लोग इलाज नहीं करा पाते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड देकर उसको भी स्वास्थ्य को भी देने का काम किया है। तीन कार्ड हुआ है, और भ्रष्टाचारी जो पूरी तरीके से जो पहले था आज ऐसा नहीं है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी उसके अंदर 14 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था और इसरो घोटाला हुआ था, लेकिन इन 8 सालों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक भी घोटाला नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता इस बात। ये सारे काम सरकार कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है गरीबों के लिए। देखे जी, गैस फ्री दी, मकान के लिए पैसा दिया, अनाज फ्री दे रहे हैं जो बेचारे भूखे रहते थे, तो इससे बढ़िया कौन करेगा। आज तक हमें करीबन 72 साल का मैं हो गया, कोई भी सरकार नहीं कांग्रेस के शासन में, अभी कभी भी अनाज सड़ जाते थे, समुद्र में भिगवा देते थे, कोई भी अनाज गरीबों को नहीं मिलता था, आज मिल रहा है वो अनाज, आज मिल रहा है। इस सरकार में 8 सालों में जितने भी काम हो वो बेहतरीन हुए, एक नंबर हुए। अरे सरकार ने जितने काम करे, मान ली गैस सिलेंडर का काम, गैस चूल्हा, पहले गरीब जनता थी गली से चूल्हे से खाना बनाती थी, बीमारी होती थी उन्हें होती थी, वो गैस चूल्हा फ्री मिले, गैस सिलेंडर फ्री मिले, राशन का काम हुआ फ्री, मतलब ये फ्री मिला है एक महीने उसमें।
और जो इतने भी काम आवास योजना घर बने हैं, 2.5 लाख रुपए मिले हैं, वैसे पेंशन की योजना मिली है, जितने भी काम है इस सरकार में बहुत बढ़िया काम हुए हैं, बेहतरीन काम हुए हैं। पिछली सरकार इतनी नहीं दे रही थी, लॉकडाउन में देखा तुमने क्या हुआ कि मतलब एक महीने में 3 बार फ्री मिले थे। मैं कहना चाहता हूँ सरकार सही चल रही है और गुंडागर्दी ख़त्म, और जैसे कि पानी की सुविधा सही मिल रही, टंकी भी आ रही है तो बिजली भी मिल रही है टाइम से, और राशन भी सही मिल रहा है, मेरा सरकार सही है आपकी। 8 सालों में प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, फेल रही है पास रही सरकार? पास रही बिल्कुल सरकार आपकी, बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे मकान भी मिल गए सबों को, और बहुत सी सुविधाएं फ्री मिली हैं, जैसे कि किसानों को पैसा मिल रहा है, ई श्रम कार्ड से वालों को मिल रहा है पैसा, और गरीबों को मदद, राशन भी खूब मिला है, महीने में 2-3 बार मिला है, जैसे कि सब बढ़िया चल रही है सरकार का। कि पिछले 8 साल में जो मोदी सरकार ने काम काज किए हैं, उनके काम काज तो कुछ है नहीं है, उन्होंने नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। अब आप देख लीजिए कि रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम पे आ गई है, गैस सिलेंडर कितने का 1200 का आ रहा है, पेट्रोल चला गया 100 से पार। अब पेट्रोल को आप 50 रुपये बढ़ा के और 9 रुपये कम कर दें, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जनता के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं, सिलेंडर मुफ्त में दिया गया है, आवास दिए हैं, राशन दिया गया है। ऐसा है, 2-4 लोगों को सिलेंडर दे के, उनसे कहलवा के मीडिया पर ये सब दिखाया जा रहा है, ये सब मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, जो असली काम जो है वो तो होता ही नहीं है। वो काम जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुआ है? जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है, आप देख लीजिए, आप पिछले सरकार में, फिर ये दोबारा बने मोदी जी, क्या हुआ है आप देख लीजिए। श्रीलंका के जैसे हालात चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के हालात होने वाले हैं, जिस हिसाब से इकोनॉमी डाउन है। आज प्रधानमंत्री बिल्कुल फेल रहे, कारण क्या रहा? कारण ये नहीं, बेरोजगारी है आपकी और महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई है। आप देख लीजिए गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई, बेरोजगार लोग हैं, महंगाई है, और क्या है, आदमी हमारे मर गया है महंगाई में, आदमी टूट गया है बिल्कुल, छोटे कारोबार नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, सब खत्म कर दिया कारोबार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने हमारी प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, अब 2024 में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी ये राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, इन सब लोगों ने देश को खोखला करने का काम करा है, देश को लूटने का काम करा है। हम लोग जनहित के लिए, लोगों सबका साथ, सबके विकास के साथ कार्य करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। हमारा जो नेतृत्व है वो संगठन जो है वो जनता के लिए कार्य करता है, जनता के लिए समर्पण है। क्या कहने जाएंगे प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री जी की काम की सराहना करता हूं, जो उन्होंने इन 8 सालों में कर दिया। कांग्रेस जैसे लोग 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, देश को खोखला करने का काम इन लोगों ने करा है, देश को लूटते रहे, देश के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करा। आदरणीय, जब से प्रधानमंत्री जी भाजपा की सरकार आई, जब से देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, और जो 8 साल में उन्होंने करके दिखाया वो कोई शायद कोई नहीं कर सकता। जैसा कि मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, बातचीत के दौरान सभी से उनकी राय जाननी चाहिए, और लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि सरकार के 8 साल के कार्यकाल के जो कार्य हैं उनको गिनाया, किसी उनकी सराहना की, और उन्होंने जो है पूरी तरह से सरकार को बताया कि 8 साल में पूरी तरह से सरकार पास रही। अलीगढ़ से न्यूज़ इंडिया के लिए आकाश कुमार।